hello class fifth students this is Reena jain again your english teacher again with you in your english class now in our today's class i want to teach you a new poem of your english book and the name of this poem is little things in this poem we will read that how can we achieve a big सक्सेस इन अवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ लिटिल एंड स्मॉल थिंग्स इस फॉम में हम पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजों की भी कितनी इम्पोर्टेंस होती है और उन छोटी छोटी चीजों की हेल्प से हम अपनी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं नाउ टेल मी यू ऑल हैव वियर द स्वेटर्स इन द विंटर सीजन हम सभी विंटर uh, सीजन में स्वेटर्स पहनते हैं बट हैव यू एवर नोटिस्ड दैट हाउ डज दिस स्वेटर्स मैक आपने कभी नोटिस किया है कि वह जो स्वेटर हम ठंड से बचने के लिए पहनते हैं वह किससे बने होते हैं और कैसे बनते हैं दिस स्वेटर्स आर मैड विद द and एंड बाय नीटिंग टूगेदर अ लिटिल ऑफ अ लिटिल hundreds हंड्रेड ऑफ लिटिल नॉट्स यानी ये जो स्वेटर्स बने होते हैं वो uh, यानी ऊन से बने होते हैं और वो उसमें कई सौ यानी कई हंड्रेड्स लिटिल नॉट्स छोटी छोटी गांठें उसमें गिठाने उसमें डाली जाती है और तब जाकर कोई स्वेटर बनता है वॉट डू यू थिंक वुड हैपन इफ वन और टू ऑफ दिस लिटिल नॉट्स ऑफ योर स्वेटर गेट ऑन और कट वाइल्ड प्लेइंग अगर आप खेल रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर आपकी स्वेटर की जो छोटी छोटी नॉट्स हैं उनमें से कोई भी दो या थ्री नॉट्स अगर टूट जाती हैं या कट जाती हैं तब क्या होगा यस yes, आपका स्वेटर जो है वह किसी काम का नहीं रहेगा ओके okay? इसी तरह से आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों के बिना हमारी लाइफ में हम बड़ी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते हैं वी कॉन्ट गेट अ बिग अचीवमेंट विदाउट द स्मॉल थिंग्स लिटिल थिंग्स ओके नाउ लेट्स रीड द पॉम हेयर इज अ पॉम अस दैट बिग थिंग्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट लिटिल थिंग्स ये जो पॉम है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वह छोटी छोटी चीजों के बिना इम्पॉसिबल है कुछ भी नहीं है बट फर्स्ट विल रीड सम हार्ड वर्ड्स फर्स्ट इज माई टी मीन्स हग बहुत बड़ा हम्बल नॉट प्राउड हम्बल मीन्स ऐसा जिसे अपने ऊपर प्राउड ना हो इटर्निटी टाइम विदाउट बिगिनिंग और एंड ऐसा समय जिसका ना कोई शुरुआत हो और ना कोई अंत हो एरर्स मिस्टेक्स रॉन्ग डुइंग यानी एरर्स का मतलब होता है गलतियां या कुछ आपने गलत कर दिया हो वर्चू राइटनेस मीन्स पुण्य सीन विकेडनेस मीन्स पाप

ब्यूटियस लैंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर यानी पानी की छोटी छोटी बूंदे मिलकर एक बहुत बड़ा सागर बना देती हैं और रेत के छोटे छोटे से कण मिलकर एक बहुत बड़ा सुंदर लैंड सुंदर जमीन बना देते हैं आप सोचिए बिना पानी की छोटी छोटी बूंदों के क्या समुद्र बन सकता है नहीं बन सकता है और रेत के छोटे छोटे दाने अगर नहीं होंगे तो क्या एक बहुत सुंदर लैंड बन सकता है नो इट इज इम्पॉसिबल and the little moments humble though they be make them mighty ages of eternity इसी तरह से छोटे-छोटे पल जो होते हैं जो छोटे-छोटे लिटिल मोमेंट्स होते हैं जिन्हें कभी भी अपने ऊपर प्राउड नहीं होता है वे बिना प्राउड के एक साथ मिलकर एक मैगदमाइटी एजेस एक बहुत बड़ा युग बहुत बड़ा समय बना देते हैं एक ऐसा समय जिसकी Uh, कोई शुरुआत नहीं होती है और ना जिसका कोई अंत होता है और ये जो टाइम है ये किससे मिलकर बना होता है लिटिल मोमेंट से मिलकर बना होता है सो आर लिटिल एरर्स लीड द सॉल्व अवे फ्रॉम द पार्स ऑफ वर्चूस इन टू सीन टू स्ट्रे इसी तरह से हमारी जो लिटिल एरर्स यानी छोटी छोटी गलतियां हैं वे लीड द सॉल अवे हमारी आत्मा को फ्रॉम द पर्थ ऑफ वर्चूस इन टू सीन टू स्ट्रे वर्चू मीन्स पुण्य से पाप की ओर ले जाती है यानी हमारी जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो हमारी आत्मा को पुण्य से पाप के रास्ते पर ले जाती है लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मैक अवर अर्थ लाइक द हेवन अबू और इसी तरह से लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी हमारी दयालुता के जो छोटे छोटे काम हम करते हैं ऐसे छोटे छोटे काम जिनसे किसी की हेल्प होती है या उसमें काइंडनेस होती है इसी तरह लिटिल वर्ड्स ऑफ लव प्यार भरे छोटे छोटे शब्द जो हम बोलते हैं वह हमारी पृथ्वी को ईडन बना सकते हैं ईडन बना देते हैं ईडन मीन्स लाइक द हैवन अबो हैीन्स ऊपर स्वर्ग की तरह हमारी पृथ्वी को बना सकते हैं ईडन बना सकते हैं मीन्स एक ऐसी प्लेस बना सकते हैं जहां सब कुछ बहुत सुंदर हो और बहुत खुशहाली जहां पर होती है एक ऐसी प्लेस अर्थ को बना सकते हैं किसे विद द हेल्प ऑफ लिटिल डिट्स ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता के छोटे छोटे काम और हमारे जो प्यार भरे छोटे छोटे शब्द होते हैं इनसे ओके नाउ वी कैन से दैट विदाउट लिटिल थिंग्स बिग थिंग्स आर नॉट पॉसिबल मीन्स छोटी छोटी चीजों के बिना बड़ी बड़ी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं